जो है ना हमारा लगेज कुछ ज्यादा हो गया था तो हमने यहाँ पे भाई को कर लिया है। भाई आपका नाम क्या है? तिलक है। तो भाई का नाम तिलक है। तो भाई भाई को हमने अपना लगेज दे दिया है। तो लगेज का क्या चार्ज रहता है वैसे आपका? 1500-2000 के आसपास, डिपेंड ऑन योर वेट की वेट कितना है। 2500 तक भी जा सकता है वेट ज़्यादा। तो हमारा वेट तो ज़्यादा नहीं था तो हमने 2500 के आसपास कर लिया है। तो बाकी अब सामान वगैरह तो हमने भाई को दे दिया। भाई हमारा आगे वेट कर लिया करेंगे। बाकी अब अपन भी यात्रा प्रॉपर तरीके से निकालता ताकि वीडियो वगैरह अच्छे से शूट हो जाए, वरना फिर काफ़ी ना इशू वगैरह रहता है कि बैग को भी संभालो और खुद को भी संभालो, तो कैमरा भी संभालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो बैग हमने भाई को दे दिया और अब सीधा घर से दर्शन करने निकलते हैं। आपको दिखा देता हूँ रियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे लिखा है ना केदारनाथ 14 किलोमीटर, बट एक्चुअल में 14 नहीं है, 14 से ज़्यादा ही है। तो इस पर अभी ये बस इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए, बाकी 14 किलोमीटर नहीं, अराउंड टोटल 22-23 के आसपास का है। बाकी देखते हैं अभी अपना जो हुआ है ना डिस्टेंस कवर हुआ है, 2-3 किलोमीटर ऊपर आए हैं। तो भाई हम लोग तो आए हैं बाइक से, जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारा भाई है। भाई नाम क्या आपका? शांतिलाल मेवाड़ा। शांतिलाल मेवाड़ा भाई का नाम है। कहाँ से आए हो आप? भाई राजस्थान भिलवाड़ा से आया। राजस्थान भिलवाड़ा से आए हैं साइकिल पर। साइकिल तो कितने दिन लगे आपको? मेरे को आज 42 दिन हो चुके हैं। 42 दिन? अच्छा, और खाना भी ना रहना सर हो जाता है और टेंट तो रहने का है। अच्छा, तो यार देखो देख रहे हो भाई कितनी साइकिल से आया राजस्थान से, टेंट वगैरह पूरा सेटअप है भाई के पास और अब जा रहे हैं ऊपर। कितने 42 दिन लगे ना? हाँ। चलो भाई आगे ऐसी आपकी यात्रा रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो भाई हम भी चलते हैं वैसे ही, लेकिन भाई अपना साइकिल से आया है। हेड्स ऑफ यार, कितनी सही बात लिखी हुई है कि तीर्थ यात्रा का आनंद तो पैदल यात्रा में है। तो अभी कहना है यार, हमने ना 9 तारीख को अभी वो ट्रैक पर हूँ मैं केदारनाथ के ऊपर जाने के लिए। 10 तारीख को जैसे कि आपको पता है कपाट खुलने वाले हैं, बट अभी कहना यहाँ पे ना अभी जो दुकानें प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हुई है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पूरी उन्होंने ना परमिशन नहीं दिया कि आप लगाओ प्रॉपर तरीके से। तो खाने की जगह बहुत जगह लिमिटेड है, तो कल से तो प्रॉपर चालू रहेगा, कल से तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बट आज जो है बहुत ही लिमिटेड सीटें मिल रही हैं और अभी हमें यहाँ पे फाइनली जगह मिल गई है। लेकिन ना बहुत मुश्किल है कि जंगल चड्डी करके, जंगल चड्डी क्या नाम है, जंगल चड्डी करके जगह वहाँ पे हमें अब खाने के लिए मिला है, बट नीचे कहीं था ही नहीं क्योंकि हमें इन्होंने परमिशन नहीं दिया। अभी आ चुके अपनी रोटी अचार और राजमा, और राहुल भाई खा रहे हैं आलू की सब्जी, बाकी खाते फिर निकलते आगे के लिए। बाकी भीड़ यहाँ पे फुल है। तो गाइस ये देखो यहाँ से कितना ही सुंदर व्यू, राहुल भाई को देखो मैं दिख नहीं रहा, मैंने हाथ हिलाया और जूम कर दिखा था, ये रहे राहुल ये। तो भाई अभी जो है हम पहुँच चुके हैं अराउंड रामबाड़ा पहुँच गए हैं, और रामबाड़ा तक बहुत ज़्यादा क्राउड है, लेकिन हालत भी ख़राब हो रही है। पता नहीं क्योंकि पिछले बार इतनी थकान नहीं हुई थी, तो पता नहीं कितनी थकान हो रही है, और मौसम देखो यहाँ का बिगड़ गया पूरा। जैसे कि देखो ये रामबाड़ा वो पुल है, यहाँ से लोग पार कर रहे हैं और बहुत ही ठंडा पानी है। अभी तो जूते वगैरह उतार के बैठ गया हूँ मैं। राहुल भाई मिस हो गए थे मेरे से, तो आगे आ गए थे, बाकी ये काफ़ी देर से यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। और मौसम देखो एक बार पीछे का कैसा हो रहा है, और ऊपर की साइड का दिखाऊंगा ना तो क्लियर है, और नीचे का ख़राब हो रहा है, ऊपर से बादल इस तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये होता है मिनटों में मौसम चेंज होता रहता है, बाकी अब थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं फिर आगे के लिए निकलते हैं। ये देखो भाई हमारे एक भाई आए हैं शिव जी की पोशाक पहन के, अब चल रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं हमारे साथ क्योंकि कल कपाट खुलने वाले हैं। तो व्यू चेक करो यार एक बार, ये देख लो पूरी बर्फ जमी हुई है, और देखो जूम कर दिखाता हूँ, ये देखो ये है पूरा रामबाड़ा, और अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अभी हमने शॉर्टकट अभी यूज़ कर रहे हैं, बाकी ये जो लूटा पूरा शॉर्टकट वाला है, ये देखो सारे भाई चल रहे शॉर्टकट से अपने, पूरी बर्फ जमी हुई है पूरी झरने की, और एक भाई वो देखो नीचे नहा रहा है, अभी भी नहा रहा है वो, ये देखो चेक करो एक बार यार, शॉर्टकट ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, बट बंदे काफ़ी मार रहे हैं यहाँ से। हमारे भोले बाबा आ रहे हैं चढ़ के, फुल ऊपर जा रहे हैं। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हो भोले जी आप? अरे वाह, अच्छा अच्छा, बर्फ पे बैठे थे। तो हर साल आते हो क्या? हर साल तो मतलब ऐसे पूरी पोशाक पहन के? अच्छा,
तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको? ये तो बात सही है। तो ये देखो हमारे भाई नाम क्या है, नाम बता रहा मुझे। हमारा नाम मनोज सोनी यूपी से। अच्छा। योगी बाबा बुलडोजर बाबा के क्षेत्र से। अरे वाह। आने चलते हैं कि जल लीजिए भगवान भोले बाबा जी। देखो देखो कृपा है कि अवतार सत्ता हो गया है, आप सब 400 पार कर दीजिए। देख लीजिए कि वो सब आ गए घर, महात्मा लोग नहीं है आज हम सब घूम रहे हैं उन्हीं के चलते। बिल्कुल ये तो बात है, खुल के बोल रहे हैं उन्हीं के चलते हर चीज करेंगे कि नहीं है। बिल्कुल टाइम लगेगा लेकिन सब हो जाएगा। कृपा हम सब की बड़ी कृपा है कि हम सब आ रहे हैं यहाँ पे। भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा है, हम तो डुप्लीकेट है, सही मालिक वो है। नहीं नहीं फिर लेकिन हम तो भेजे हैं। हाँ हम लोग भेजे हैं, हमें चाहता है कि 400 पार कीजिए और सबका साथ सबका विकास। एक बार नारा जरूर से हर हर महादेव। तो भाई लोग अभी क्या है ना, अच्छा खासा ट्रैक चल रहा था, धूप आ रही थी, छाव आ रही थी, अच्छा मौसम आ रहा था, बट एकदम से क्या है ना पूरी बारिश हो चुकी है मौसम में। लेकिन एक गलती हमने कर दी, एक बार व्यू देखो, एक बार व्यू चेक करो कितना ही सेक्सी हो रहा है, व्यू चेक करो। बट एक गलती हमने क्या कर दी, जिस जो हमने पिट्ठू करा था ना सामान देने के लिए, हमने सारा सामान उसी को दे दिया, अपना रेन सूट भी दे दिया, जैकेट भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब अंदर टी शर्ट पहन रखी, वो तो मजबूरी मिल गया हमें, वरना बारिश में कैसे ट्रैक करते, ठंड भी लग रही है यार। अब ये गलती आप मत करना अपना, जो मतलब रेनकोट वगैरह तो निकाल ही लेना, बाकी व्यू को देख के मजा आ रहा है यार। सो अभी एक बार यहाँ से चेक करो यार, अभी जस्ट वहाँ से जहाँ से अभी थोड़ी सी बारिश बंद हो गई है, तो इसलिए मैंने अभी ये कैप वगैरह हटा ली है और कैमरा ऑन कर लिया है। पीछे देखो इतना बड़ा मतलब बर्फ़ की पूरी वो है, जो झरना टाइप होता है ना पूरा जमा हुआ है बर्फ़ में। और अभी पास सड़क दिखाता हूँ, देखो अभी रोड है ना स्लिपरी हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा कि बारिश पड़ गई अच्छी वाली। और ये देखो कितना तगड़ा है, अभी दिख नहीं रहा होगा, और पूरे देखो पूरे बादल छाए हुए चारों तरफ। आराम से आना भाई, स्लिप ना होना। ये देखो पूरे में बादल छाए हुए हैं और यहाँ पे पूरा बर्फ़ का ये झरना जमा हुआ है। सीन तो एक नंबर है भाई, अब रेन सूट मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अपनी सारे यहाँ पे यात्री फुल मजे लेते हुए बर्फ के साथ खेलते हुए, देखो ये फुल बर्फ में एंजॉय करते हुए वेदर के चल रहा। अभी ठंड का एहसास नहीं हो रहा जब से ये पहन लिया ना, सब यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लगे हुए हैं। अब लग रहा है भाई अब मौसम ठीक है, बारिश भी हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब साला रेन सूट पहन लिया है, वरना टी शर्ट में ठंड लग रही थी, क्योंकि ऊपर साला सामान पहुँच गया, ध्यान नहीं दिया मैं, सामान निकालना चाहिए था थोड़ा सा, बट ऐसा पता नहीं था। चलो कोई नहीं, बाकी ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम आओ तो अपना रेन सूट अपने पास ही जारी रखना, बाकी सब लोग यहाँ पे मैं चाय का मजा लेते हो, सब जादू बने हुए यहाँ पे। ये चेक करो यार, एक दो किलोमीटर वापस से ट्रैक करने के बाद एक इतनी सुंदर सा रूट मिल गया है। चेक करो यार, दोनों तरफ बर्फ के पहाड़े, पूरी चट्टान दिखाते हैं झुके, देखो इधर पूरे सॉलिड है, देखने में लगता है कि साउथ से। और देखो बहुत स्लिपरी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यार खच्चर पता नहीं कैसे आ रहे हैं यहाँ पे आराम से। ये देखो खच्चर निकलने देता हूँ पहले, ये देखो यहाँ से भाई मामला हो रखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैड़ा, ठंड है दबा के। अगर आप लोग भी आ रहे हो ना तो पूरी तैयारी से आना, ऐसा नहीं है कि बस आ जाओ हल्के कपड़े का कपड़े लेके। भाई नीचे गर्मी लगेगी आपको 3-4 किलोमीटर तक, बट उसके बाद तो ऊपर का माहौल जो है नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि हाई पर देखो अभी इतनी बर्फ़ मिल गई है, देखो कितनी ऊंची ऊंची हाइट है इसकी, मतलब 7 फुट का राउंड, और ये दोनों तरफ चल रही है ऐसी, बाकी पूरा ऊपर तक जा रहा है वो तो फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। चल 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 तू चल भाई जल्दी पहले। चेक करो यार भाई है डॉग के साथ, और डॉग को देखो शूज़ भी बना रखे हैं। तो अभी फाइनली अपन पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव पे, तो वो बंदा टेंट जो हमारा सामान लेकर गया ना वो यहीं पे मिलेगा, तो इससे आगे जो है जो घोड़े वगैरह अलाउ नहीं होते, उससे आगे पैदल ही आना पड़ता है बंदे को, तो वो यहीं कहीं बैठा होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसका नंबर भी नहीं हमारे पास। अब देखते हैं कहाँ है वो बंदा। यार पता नहीं क्यों अभी भी ना कपड़े नहीं पहने, लेकिन अब ठंड नहीं लग रही, जैसे अपने बैग दिख गए ना तो एक एनर्जी सी मिल गई राहुल भाई। हाँ। बैग के मिलती एनर्जी आ गई ना, बिल्कुल, तो बैग के मिलती एनर्जी आ गई। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और है, तो यहाँ से भी भीड़ स्टार्ट हो गई और पीछे पहाड़ों में लगे हुए बर्फ, और बाकी 2-2.5 किलोमीटर और कवर करते हैं, फिर उसके बाद अपना कैंप वैक लगाते हैं, दिन भी लगा लेंगे क्योंकि रात में भी लगाने में दिक्कत होने वाली है अपने को। तो लास्ट टाइम जिस कैंप पे रुके थे हम, रुके थे नंदी बेस कैंप में लेफ्ट वाले में इसी में, बट इस बार क्या, इस बार तो अपना खुद का कैंप है,
सो सीधा मंदिर के पास ही लगाते हैं जगह देख के, और पिछली बार जो हमारा कैंप था इस साइड था, बट इस बार यहाँ ना रुक के सीधा चलते हैं आगे मंदिर के पास। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी भी जो अभी जो है ना दुकान वगैरह प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुई है, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट है की जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने पूरी जगह से अप्रूव नहीं करा है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ दी शॉप से ना बंद ही है, पूरी ओपन नहीं हुई है। बट कल के बाद जो है ना, कल पूरे कपाट ओपन हो जाएंगे, तो कल के बाद सब कुछ हो जाएगा। बट अगर बात करूँ, अगर आप लोग आते हो बेस कैंप वगैरह की, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बेस कैंप तो आपको भरपूर मिलेंगे। ये देखो, जहाँ तक देखो कैंप ही कैंप है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपना भी लेकर आ सकते हो और यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपकी वैसा की जैसा आप कैंप करना चाहो, बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली आपको कैंप वगैरह की, तो वो तो प्रॉपर मिल जाएंगे, नीचे से बंदे मिल जाते हैं आपको कैंप के लिए। और रात का तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है, बाकी दिखाऊंगा रात को एक बार जब प्रॉपर पहुँच जाऊँगा। यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास का है। दे ताज़ा कर लेते हैं, जो पिछली बार आए थे, पिछले साल हम इस वाले कैंप पर रुके थे जो सेकंड नंबर वाला है, इसमें रुके थे क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि ये जो यहाँ पे था ना GMVN का, इसके जस्ट सामने था हमारा कैंप, इसी कैंप पर रुके थे पिछली बार हम। तो फाइनली जो अपन जो पहुंच गया मंदिर के जस्ट बाहर, और यहाँ पे भी कल की तैयारियाँ चल रही हैं, जैसे कि अभी देख रहे हो फूल वगैरह लग रहे हैं अभी, और अभी वहाँ पे नगाड़ा वगैरह बज रहे हैं। सब कल बहुत ही जोरों तोरों से स्वागत होने वाला है डोली का, ये जितने भी ढोल तमाशे बज रहे हैं ना सब स्वागत के लिए लगे पड़े हैं। और फूलों से देखो कितना सुंदर लग रहा है यार ये। बाकी अभी आज जो इतनी झलक देखो, बाकी कल दिखाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से कितना ही सुंदर लग रहा है। ये चेक करो यार, अभी चल रही है पूरी तैयारियां, अभी जो है कपाट ओपन नहीं हुए, कल होने वाले हैं ओपन। और यहाँ पे फूलों से देखो सजावट की तैयारी हो रहा है। हर हर महादेव। सो देख लो यार कितनी जोरों तोरों से चल रही है प्रोग्राम की तैयारी, डीजे साउंड वगैरह, और भीड़ देखो वहां पे फुल। कल नगाड़ों से स्वागत होने वाला है हमारे भोलेनाथ बाबा का, तो कल दिखाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। और यह भीमशिला सामने आप देख रहे हो, पूरी फूल से सजा रखी है, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होगी। अभी पहले क्या अपना कैंप वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि अंधेरे में फिर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पूरा सेटअप करके उसके बाद आता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ आपको रात को एक बार कि क्या माहौल रहता है आज यहाँ पे, क्योंकि आज ही आ जाए कल तो फिर कपाट ओपन हो ही जाएंगे, कल से फिर नॉर्मल आपको दिखेगा ही, बट आज जो रात को होने वाला है ना एक नंबर यार। बाकी अपना यहाँ पे देखो बंदों ने भी लगा रखा है, हम भी कोई जगह ढूंढते हैं और लगाते हैं अपना मन। सर फाइनली अपने टेंट की जगह जो फाइनलाइज हो चुकी है, सो वहाँ पे भी जगह फुल हो चुकी है, वहाँ भी पूरा फुल हो चुका है, सो अपना टेंट यहाँ पे लगाने की सोच रहे हैं। अब पैर से साफ करेंगे और फिर लगाते हैं यहीं पे टेंट अपना, बाकी सामने अपना मंदिर। जय केदारनाथ बाबा की।